अस्पताल में शॉर्ट सर्किट का मामला सामने आ रहा है, बांगड़ अस्पताल में क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बानू बताना चाहूंगा कि आज अचानक गायनिक वार्ड की टाइल्स में तेज आवाज के साथ उखड़ने टूटने लगी थी, तो वार्ड में भर्ती मरीज और परिजन भी घबरा गए। तो उसको लेकर प्रश्न भी मच गई और परिजन प्रसूताओं व नवजात को लेकर वार्ड के बाहर भागने लगे। जैसे ही घटना की जानकारी मिली तो हॉस्पिटल के अधीक्षक व इलेक्ट्रिक स्टाफ भी मौके पर पहुंचा, तो पता चला कि इलेक्ट्रिक लाइन में फॉल्ट आने से ऐसा हुआ है। बाद में प्रसूताओं को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो वही अचानक तेज आवाज से फर्श पर लगी कई टाइल्स एक के बाद एक टूटने लगी थी। ये देख वार्ड में भर्ती प्रसूताएं व परिजन घबरा गई थी बानू। तो हादसे की आशंका के चलते वहां पे अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया था, लेकिन कोई गनीमत रही जनहानि नहीं हुई है बानू। अब फिल वक्त में क्या वार्ड को खाली करवा लिया गया है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई नुकसान नहीं है, और क्या कुछ स्थिति है? जी बानू, हॉस्पिटल के अधीक्षक पीसी व्यास ने अभी मीडिया को जानकारी दी है कि विद्युत लाइन में फॉल्ट आने से ऐसा हुआ है, इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है और प्रसूताओं को पीएचयू वार्ड में भी शिफ्ट किया गया है। संभवत हाई वोल्टेज से ऐसा हुआ होगा, इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट भी ढूंढने में जुटे हुए हैं बानू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम।